आज का हमारा जो टॉपिक है वो जीनोमिक और सीडीएनए लाइब्रेरी के ऊपर है। इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग तीन शब्दों को समझेंगे, पहला क्लोनिंग, दूसरा वेक्टर और तीसरा लाइगेज। जब हम लोग जीन को आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा उनकी वृद्धि करते हैं उस प्रोसेस को जीन क्लोनिंग कहते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल मेथड से एक ही जीन की हम लोग मल्टीपल कॉपीज़ का निर्माण कर लेते हैं। जब हम लोग किसी डिज़ायर्ड जीन को डीएनए के किसी मॉलिक्यूल के साथ जोड़ते हैं जो उसको कैरी करने का काम करता है, तो उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। जैसे प्लाज्मिड वेक्टर है या जो बैक्टीरियोफेज है, ये वेक्टर है, ये इंट्रोड्यूस्ड जीन को कैरी करने का काम करेगा। और जो इच्छित जीन या जो डिज़ायर्ड जीन है उसको वेक्टर के साथ जोड़ने का काम एक एंजाइम करता है, जिसको हम लोग लाइगेज कहते हैं। आज हम लोग बात करते हैं डीएनए लाइब्रेरी की। जिस प्रकार से हमारी किताबों की लाइब्रेरी होती है, जिसमें हमें ज़रूरत पड़ने पर हम कोई भी, हमें रिसर्च करनी है तो हमें कोई टॉपिक के ऊपर अध्ययन करना है तो हम एक लाइब्रेरी में जाके उस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं और अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऑर्गेनिज़म्स के जब जीन्स की एक लाइब्रेरी तैयार की जाती है, जिसको जीनोमिक लाइब्रेरी भी कहा जाता है, जहाँ पर रिसर्च करने के लिए कोई भी जीन ज़रूरत पड़ने पर प्राप्त किया जा सके, उसको हम लोग डीएनए की लाइब्रेरी कहेंगे। इसमें जीन्स को क्लोन करके, वेक्टर की सहायता से उनको क्लोन करके या मल्टीप्लाई करके सुरक्षित रखा जाता है। डीएनए की लाइब्रेरी जो है मुख्य रूप से दो तरह से है। एक है जीनोमिक लाइब्रेरी, जो कि पूरे कंप्लीट डीएनए के जीनोम से प्राप्त होती है, और दूसरी है सीडीएनए लाइब्रेरी। जो मेन स्टेप्स होते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसके लिए सबसे पहले डीएनए को सेल से पृथक किया जाता है। उसके बाद उस जीनोम को या उस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में या फ्रैगमेंट्स में कट किया जाता है। उसके बाद उन फ्रैगमेंट्स को जो सूटेबल वेक्टर्स हैं उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि अगर प्लाज्मिड है, फिर उन वेक्टर्स को बैक्टीरिया में प्रवेश कराया जाता है जहाँ पर वो मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद उन डीएनए को वहाँ से आइसोलेट किया जाता है और इनको जीनोमिक कलेक्शन, इनके कलेक्शन को हम लोग जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। अब मैंने आपसे बात की थी, एक तो हो गया जीनोमिक लाइब्रेरी और दूसरी है सीडीएनए लाइब्रेरी। जब जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या किया जाता है कि इसमें जो डीएनए है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो कंप्लीट डीएनए है, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ छोटे छोटे खंडों में कट कर दिया जाता है। और उसके बाद जैसे आप देखिए जो एस्ट्रिशिया कोलाई है, जहाँ पे मैं अभी शो कर रही हूँ आपको, जहाँ पे थोड़ा डार्क कलर का आपको डीएनए नज़र आ रहे हैं, वो एस्ट्रिशिया कोलाई के जीनोम से प्राप्त किया हुआ है। और उनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके तो वो लीनियर स्ट्रैंड्स बन गए, जिनके एंड्स जो हैं वो स्टिकी हैं। इसी प्रकार से ये एक जीनोम है, इसके भी रिस्ट्रिक्शन साइट्स आपको दिखाई दे, उसको भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब कट करते हैं तो इसके भी छोटे छोटे खंड हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद डीएनए लाइगेज की सहायता से प्लाज्मिड के साथ इन खंडों को जोड़कर तैयार किया जाता है और उनको वेक्टर में प्रवेश करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स प्राप्त होंगे और इनमें जो कंप्लीट जो जीनोम है वो क्लोन हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं
CDNA की लाइब्रेरी के बारे में। जब हम लोग क्लोनिंग के द्वारा CDNA या कॉम्प्लीमेंट्री DNA की लाइब्रेरी को तैयार करते हैं, उसको CDNA की लाइब्रेरी कहा जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें हमें पता होना चाहिए कि CDNA का या इसका निर्माण क्यों किया जाता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में जो जीनोम है वो बहुत बड़ा है और जीनोमिक लाइब्रेरी को मेंटेन करना मुश्किल होता है। प्रोकैरियोट्स में इनके करीब 10,000 तक के खंड होते हैं, 5,000 से 10,000 तक खंड होते हैं जिनको मैनेज किया जा सकता है और कंप्लीट जीनोमिक लाइब्रेरी को तैयार किया जा सकता है। पर यूकैरियोट्स में ये बहुत अधिक संख्या में खंड प्राप्त हो जाते हैं, फ्रैगमेंट्स प्राप्त होते हैं, करीब 100,000 तक के प्राप्त हो जाते हैं जिनको कि मैनेज नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर CDNA की लाइब्रेरी को तैयार किया जाता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA की जो लाइब्रेरी तैयार की जाती है, इसमें हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यूकैरियोट्स में जो DNA होते हैं उसके कुछ खंड या जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, जिनको हम लोग एग्जॉन्स कहते हैं, और कुछ जो हैं वो अभिव्यक्त नहीं होते, जिन्हें हमें इंट्रॉन्स कहते हैं। और जो अभिव्यक्त होने वाले जीन्स की विशेषता ये होती है कि वो ट्रांसक्राइब होकर mRNA का निर्माण करते हैं, और जो जीन्स mRNA का अनुलेखन नहीं कर पाते वो एक्सप्रेस या अभिव्यक्त भी नहीं हो सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग जब RNA से DNA की कॉपीज़ को तैयार करते हैं, तो उसको हम लोग CDNA या कॉम्प्लीमेंट्री DNA या CDNA कहते हैं, और इसकी टेक्निक को हम लोग प्रतिलोभी अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। और ये जो प्रतिलोमी अनुलेखन होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा होता है, जो कि RNA वायरसेस के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रोसेस में जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं समझाती हूँ कि इस स्टेप में ये हमें एक RNA है। RNA में आपको पता है कि यूकैरियोट्स के RNA में एक 3' एंड पर पॉली ए की टेल होती है, इसलिए पहले इसमें एक छोटा सा ओलिगो टी प्राइमर का निर्माण करते हैं। ओलिगो टी जो है वो ए के साथ अनील हो जाता है, और उसके आगे फिर एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अपना कार्य करता हुआ और वहाँ पर एक DNA का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आप देखो कि एक DNA RNA का हाइब्रिड तैयार हो गया है। इसके बाद इसके ऊपर एल्कलाई से ट्रीट करते हैं ताकि इसमें से RNA रिमूव हो गया। तो RNA के रिमूव होने के बाद हमको एक DNA का स्ट्रैंड मिल जाता है, जिसके 5 एंड पे हमको ओलिगो टी की छोटी सी चेन नज़र आ रही है। अब इसके आगे DNA पॉलीमरेज एंजाइम अपना कार्य करता है, और ये DNA पॉलीमरेज के एक्शन में एक और स्ट्रैंड जो है वो जो DNA का बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पर जो आपको ये थोड़ा सा एक पोर्शन 3 एंड का जो होता है वो प्राइमर का काम करता है, और वो एक दूसरा स्ट्रैंड DNA का बन के तैयार होता है। उसके बाद एक SI न्यूक्लियस एंजाइम जो है, जिसको हम लोग सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं, ये जो वहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड RNA है या सिंगल स्ट्रैंड DNA को है, उसको वहाँ पे कट कर देता है। तो जो वहाँ पे ये हुक है, हुक जो है वो वहाँ पर रिमूव हो जाती है, और हमें एक डबल स्ट्रैंड जो है वो या कॉम्प्लीमेंट्री DNA जो है, डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से mRNA से कॉम्प्लीमेंट्री DNA को तैयार किया जाता है। उसके बाद इन कॉम्प्लीमेंट्री DNA को जब हम लोग वैक्टर्स में डालकर और इनकी क्लोनिंग करके और इनकी लाइब्रेरी तैयार कर लेते हैं, तो उसको CDNA लाइब्रेरी कहा जाता है। इस प्रकार से जीनोमिक लाइब्रेरी दो प्रकार के होते, ये जो DNA की लाइब्रेरी है वो दो तरह से होती है। जब पूरे जीनोम
छोटे छोटे खंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से करके और फिर उनकी उनको वेक्टर में क्लोन करके उनकी लाइब्रेरी बनाई जाती है, उसको जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। और यूकैरियोट्स में क्योंकि वो प्रोसेस जो संभव नहीं होता है, इसलिए एमआरएनए से डीएनए का निर्माण करके और उस डीएनए को वेक्टर्स में क्लोन करके जब उसकी लाइब्रेरी का निर्माण किया जाता है तो उसको सीडीएनए लाइब्रेरी कहा जाता है। थैंक यू।